जाते है, लड़कियों को छेड़ता है, अपनी दीदी को छोड़ के दूसरों को छेड़ता है। माँ बहनी तेरे को शराबी ले जा। अरे शांति क्यों यार, क्यों रो रही है यार, बता क्या बताऊ, हाय क्या बताऊ तेरे को जी, लुट गई लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। उन कमीनों ने मुझे कहीं कहीं छोड़ा। मैं पक्की क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरे होने वाले पति को मैं क्या बताऊंगी। ओ यार मेरे को ना बता किसने तेरी ये हालत की है, एक एक छुट्टी काट दूंगा। और डर मत, तेरे सामने फतेह सिंह खड़ा है, ठीक है बता मेरे को कितने की है हालत तेरी। क्या बताऊं दरोगा जी, मैं सिनेमा देखने गई थी, रात का शो शो देखकर मैं लौट रही थी, वही अपना पुराना गाना गुनगुनाते हुए, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। जैसे ही मैं डोंगरी गली से गुजरी कि अचानक वो हो गया जिसका मुझे हमेशा डर लगा रहता था। उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे शोले में बसंती के पीछे घोड़े लगे थे ना। घोड़े? ओए चुप करो, कैंसर के फोड़े, चुप है। उसी तरह मेरे पीछे गुड्डे लगे हुए थे। ठीक है, मेरे को उनके नाम बता। बता नाम जल्दी बता मेरे को। वही पतिया के आदमी शंकर बाबूलाबादी माटी मिले का सत्यानाश हो, ऐसे मेरे पीछे लगे, कभी मैं आगे आगे कभी वो पीछे पीछे। एक पत्थर से मैं टकरा कर गिर पड़ी और वो सब मुझ पर गिर पड़े। और फिर उसके बाद नहीं, मेरे होते हुए तेरी इज्जत से कोई हाथ नहीं डाल सकता, वो भी फतेह सिंह के इलाके में। पता है मेरे परदादा मुगलों के जमाने में सिपाही थे, हम खानदानी सिपाही हैं, एक एक की छुट्टी काट दूंगा, समझे? ये फतेह सिंह का इलाका है और मेरे होते हुए किसी अबला नारी की इज्जत लुट नहीं सकती, कभी नहीं लुट सकती। लुट गई दरोगा जी, इज्जत लुट गई, अब कुछ नहीं बचा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं बसंती, नहीं बसंती, मेरी बात सुन बसंती। मेरे पीछे पड़े ला यार, मैं छुपता हूँ बापू, मैं छुपता हूँ। ये बसंती क्या टंडी टंडी चाल चलती, इधर आओ ना, हम दोनों मिलकर गरम गरम चाल खेलेंगे जी। चुप चुप, सैया बन गए कोतवाल, अब डर का है का? वो बंदोबस्त करके आई हूँ जन्म जनो, बड़े दीवार बनते थे ना मेरे और पकिया के बीच में, जब करेगी प्रीत तब आएगा मजा। अरे चलना जा, अरे तुम्हारा मुर्दा उठे, चुप। अरे तुम्हारा क्या ना हो, ये क्या करो, मेरे आना ठंडा करने के लिए गई रे गई। चल यार अपन खेलते हैं, चल जान छुटी बापू। मंत्री जी यहाँ बैठे हैं मंत्री जी। अबे क्या बात है तेरी, फट क्यों रही है आवाज, बैठ अब बोल क्या बात है। खबर तो हम ऐसी लाया हूँ कि आपकी बंद हो जाएगी बोलती। अबे चुप, क्या बकता है? हम बक नहीं रहा हूँ मंत्री जी, हम सच कह रहा हूँ, हमने अपनी इन दोनों आँखों से पकिया को बस्ती में घूमते हुए देखा है। लेकिन हमने तो उसकी जिंदगी पर मौत का पर्दा गिरा दिया था। मंत्री जी अक्सर नाटकों में ऐसा होता है, पर्दा गिरता है, कैरेक्टर खड़ा हो जाता है। अबे चुप, खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है का बच्चा। कलो बच्चा, हम जटा शंकर पांडे बोल रहे हैं। कहिए मंत्री जी। अबे मंत्री गया तेल लेने, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अगर इसी तरह पकिया मौत को झांसा देकर घूमता रहा ना, तो एक दिन वो हम सब के रास्ते लगा देगा। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। अबे चुप बे उल्लू के पट्टे। नहीं नहीं तुम्हें नहीं बोला, ऐसे बोल रहा हूं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है नेताजी, और ये आप भी जानते हैं। ये तो रही पते की बात, बस पकिया की दुखती रग को हमें दबाना है। समझ गया। बाबू बाबू
चलो। बाबू पक्या पक्या मेरे बाबू को जिंदा कर दे, जिंदा कर दे मेरे बाबू को पक्या। उन लोगों ने इसे बहन में से मार दिया और मैं कुछ ना कर सकी। वो मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। मैं कुछ नहीं कर सकी, मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। देख पक्या, बाबू हम सबको छोड़कर चला गया, कुछ ना कर सके हम। तुझे मालूम है पक्या बाबू का कातिल कौन है? कौन है अपने बाबू का कातिल? कौन है बाबा? उसका नाम बोल बाबा। वो लोग डोगरा के आदमी है, डोगरा इस शहर का डॉन है। डॉन डोगरा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डोगरा डोंगरा भाई सलाम। अपन बोल ले, फैक्ट्री में सब इंतजाम हो गए ले। पक्की अपन लोगों का कुछ नहीं कर सकता क्या? अच्छा रखता हूँ मैं। टेलीफोन हेलो 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 बोला जिसका बाप आया था। हाय चल रहे भाई, ये आदमी वही है जिसने पक्या को हमारे अड्डे का पता बताया था। इसने हमारे साथ गद्दारी की है। ये
वह पहली बार सजनी की। अभी जाके पक्के भाई को बताता हूँ, अभी जाके पक्के भाई को बताता हूँ। पक्के भाई ढूंढना बस्ती में घुस आया, बम बंदूक हथियार सब कुछ साथ लेके आया। ये सामान निकालो रे, चल जल्दी। सिर्फ वार्निंग देता हूं, सुधर जाओ तो अच्छी बात है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।